आज के कार्यक्रम में पधारे सभी सुधीजनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। आप सभी अपना कीमती समय यहाँ देकर जो उपस्थित हुए हैं उसके लिए मैं आभारी हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ जन सरोकार मंच के प्रभारी श्री अशोक सक्सेना व देवेंद्र जोशी जी का, जिन्होंने मंच द्वारा मुझे आप सभी से रूबरू कराया। मंच द्वारा ये पाती बारे अपने विचार आप तक पहुंचाने का अवसर दिया और आभार प्रकट करती हूँ नेगी सर जी का, जो इस मुहिम के सफर के संयोजक हैं, जो राजस्थान के प्रशासनिक सेवा अधिकारी SDM के पद पर आसीन हैं। इसके साथ ही वे एक वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और देश समाज को पूर्ण रूप से समर्पित भी हैं और उनके इस जनहित कार्य में सहयोगी बनकर खड़ी हैं उनकी पत्नी श्रीमती मीना सिरोला जी, जो राजस्थान के शिक्षा संकाय वनस्थली विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर शोभायमान है। तो हम बात कर रहे थे नेगी सर जी की, वे अपने पद पर पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ निष्ठा से कार्य करते हुए जनता की भलाई के लिए, चाहे शिक्षा संबंधी हो बात, चाहे संस्कारों की हो, कोई भी अन्य कार्य हो, वो सब इस तरह के कार्य करते रहते हैं। उसी का हिस्सा है ये पाती लेखन भी। किसी विषय या मुद्दे को तभी उठाया जाता है जब मन में उसकी कमी खलने लगती है या विकार आ जाते हैं। इन्होंने भी ऐसा ही महसूस किया होगा कि इस डिजिटल युग में सब काम तो मशीनों से होने लगे हैं, लेखन भी उंगली की टिक टिक में समा गया है। जो रिकॉर्ड तो हो जाता है मगर वह कलम दवात तख्ती पेपर पर लेखन सब कहीं पीछे छूट सा गया है और वे भावनाओं भरी पाती भी तो अब नहीं आती। बस शायद इन्होंने इस पाती लेखन मुहिम को शुरू किया होगा। हम भी ऐसा ही सोचते हैं, हमारा भी यही विचार है। जी हाँ, वह शुभ दिन था 15 अगस्त 2018, जिसे अब तक पूरे 2 साल हो गए हैं इस पाती मुहिम को, लेकिन ये सिरे से ऊपर ऊपर ये मुहिम उठती ही चली गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई और अब इससे कितने ही छात्र और कितने ही साहित्यकार जुड़े हुए हैं और इस जरिए जिसमें बड़ों के अलावा स्कूल के विद्यार्थियों से भी पत्र लिखवाए गए, प्रतियोगिताओं द्वारा सभी प्रतिभागियों का सम्मान, एक भव्य सम्मान समारोह में हौसला अफजाई के लिए सम्मानित करना नेगी सर जी का बड़प्पन है। मैं अपनी बात कहूँ तो राजस्थान के अजमेर जिले के डॉक्टर अखिलेश पालरिया जी, जो पेशे से एक और शौक में साहित्य साधक भी हैं, वे जिनका साहित्यिक ग्रुप शब्द निष्ठा सम्मान मंच है, इसकी भव्यता और डॉक्टर पालरिया जी की महानता का गुणगान तो मैं फिर कभी करूंगी, मगर मैं पाती की बात कर रही हूँ तो पाती के बारे में बताऊं तो इसी मंच पर पाती की विज्ञप्ति देखी मैंने पहली बार और पहली पाती के बारे में मैं सोचती ही रही कि लिखूंगी और समय नहीं मिला और वो निकल गई और जब मैं पछताई उसकी, जब आखिरी डेट देखी तो अब कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद
जब दूसरी विज्ञप्ति आई, दूसरी पार्टी की विज्ञप्ति आई, तो पक्का सोच लिया था कि लिखूंगी अवश्य ही। पार्टी मैंने लिखी, पिता की पार्टी संतान के नाम, जिसमें प्रथम 11 में मेरा 7वां नंबर था। सम्मान समारोह में मंच से आदरणीय नेगी जी ने इस बात का जिक्र भी किया कि कई माओं ने तो पिता बनकर बेटे को पाती लिखी, जिनमें से एक मैं भी थी। बस फिर तो यह सिलसिला चल निकला। मुझे इतना पसंद आया यह कार्यक्रम कि मैंने इसमें कईयों को अपने साथ जोड़ा, अपने घर की बहन बेटियों को, बहू को जोड़ा और पड़ोस के जोड़े, और एक पाती उसके बाद इन पातियों के अलावा जो नेगी सर ने हमें शीर्षक दिए, जो कार्य होता रहा, प्रतियोगिताएं होती रही, जिन पे लिखवाया गया, उन पे तो हमने लिखा ही। और ये कार्यक्रम मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरे को पाती लिखने की आदत सी हो गई। तो इसके अलावा मैंने कई पाती और भी लिखी, जिनका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी। एक पाती लिखी मैंने डॉक्टर बजरंग सोनी जी के नाम, जब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। ये मैंने मंच पे भी साझा की थी, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। जैसे कि एक पाती बजरंग सोनी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर लिखी, उनकी हौसला अफजाई में और उनके जल्द स्वस्थ होने बारे में। और इस कोरोना काल में जब हर जगह लॉकडाउन था, तो राखी का त्योहार भी आया, तो भाई को इस पर्व पर न पहुंचने की असमर्थता जताते हुए भावनाओं भरी पाती मैंने लिखी, उसे भी मैंने साझा किया था मंच पे। एक पाती कोरोना के नाम लिखी, जिसे उसे समाप्त हो जाने की और भारत से भाग जाने की धौंस दी और खूब लताड़ा उसे। एक पाती जनता के नाम भी लिखी, जिसमें कोरोना से जूझने की हिम्मत शक्ति और इससे सुरक्षा उपाय के नियम अपनाने को कहा। सच कहूं तो हम उस जमाने के हैं जब पाती प्रचलन जोरों पर था। तो अपनी दो लाइनों में इसका जिक्र मैं चाहूंगी कि कितने सुहाने थे वे दिन, कि कितने सुहाने थे वे दिन जब पाती का प्रचलन था। बंद लिफाफे में आते थे शब्द, बंद लिफाफे में आते थे शब्द भावनाएं बनकर, बेसब्री का पैमाना न था तब, बेसब्री का पैमाना न था तब। हम सभी ने राजेश खन्ना का वह फिल्मी गाना तो सुना ही होगा कि डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, हे खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द नाक लाया, डाकिया डाक लाया। जी हाँ, जिस पाती की हम बात कर रहे हैं वही तो डाक भी कहलाती है, जिसमें दुख का संदेश एक कटे कोने से होता था। शादी ब्याह शुभ शगुन के संदेश की पाती के एक कोने को हल्दी से रंग कर भेज देते थे, ताकि पाने वाला खोलने से पहले ही समझ जाए। एक वह प्रेम भरी पाती होती थी जो कबूतर लेकर आता था, सुना भी होगा आपने, हम आपके हैं कौन फिल्म का वह गाना, कबूतर जा कबूतर जा। और कभी बाहर से आते तो गेट में पड़ी पाती पर नजर जाती और मुंह से फट निकलता था, अरे पत्र आया है, फट से झुके टप से उठाते थे लिफाफे पर प्रेषक का नाम पढ़ने की उत्सुकता। या वह पाती जो एक पाती इस तरह की उत्सुकता और उसको खोलकर पढ़ने की, या एक पाती वह, आज मैं पाती के बारे में ही बात करूंगी, एक पाती जॉब के लिए इंटरव्यू दे आए हैं और इंतजार है ज्वाइनिंग पत्र का। आपने डाक बाबू को बोल तो दिया है कि भैया ख्याल रखिएगा, रोजी रोटी का सवाल है, जिस दिन मेरी नौकरी लगने की
जी भरकर मिठाई खिलाऊंगा पूरे परिवार को। और एक वानगी देखिए, आर्मी से खत आता है बेटे का कि माँ सौ को सुलाकर झंडा फहरा दिया है कारगिल की चोटी पर। देखिए कितना जोश भरा खत होगा वो। जीत का सेहरा देश के नाम पढ़कर पूरा परिवार फूला नहीं समाता और माँ झट से बोलती है, शाबाश बेटा, जय हिंद। एक पत्र और आर्मी हेडक्वार्टर से आया कि 10 को ढेर करके शहीद हो गया शेर सिंह, सब का इंतजार कीजिए। इस तरह की पातियां आती थी। पाती नाम की एक खबर मैंने अखबार में भी पढ़ी थी, 2-4 महीने पहले की बात है कि पाकिस्तान का एक कबूतर भारत में आसमान में उड़ते हुए देखा गया, जिसके पंजे में खत जैसी पाती बंधी थी, जिसे हमारी सेना ने मार गिराया था। तो ये थी बानगी पत्रों की, पातियों की, अर्थात हाथ से लिखी पातियों में जो बात होती थी वे अब कहाँ। हम शुक्रगुजार हैं आदरणीय नेगी सर जी के कि इन्होंने इस मुहिम को चलाकर अपने संस्कारों से जोड़ने की कोशिश की है। इनकी कोशिश में पाती खूब लिखी गई, घरेलू महिलाओं ने लिखी, विद्यार्थियों ने लिखी, हमने लिखी, तुमने लिखी, सबने लिखी, खूब लिखी। और अब ये मुहिम चलती ही रहे, पाती लिखना अच्छा लगता है, तो अब मैं अपनी पाती का वाचन शुरू करती हूँ। जो मेरी पाती एक माँ अपनी बेटी के नाम लिखती है, मेरी प्यारी बेटी साधना दास महात्यागी, आपको हजारों आशीर्वाद। एक माँ होने के नाते मैंने आपको आशीर्वाद दिया, मगर अब आप मुझे आशीर्वाद देंगी आज से ही, क्योंकि आज आपने इस संसार से बैराग जो ले लिया है और बन गई पूरी दुनिया की महात्यागी साधना दास। ये तो हमारे किन्हीं पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का ही प्रतिफल प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी माँ हुई और आप पूरे संसार की माँ हो गई। अब तो पत्रों द्वारा ही मैं अपने भाव व्यक्त कर सकूंगी, क्योंकि दीक्षा लेते ही आपने अपना मोबाइल जो छोड़ दिया था। अब बताइए कोई माँ कैसे धीरज धरे अपनी इकलौती संतान से इतने बड़े बिछोह का। मेरे मन की भावनाएं छलक कर नैनों में भर आई और शब्द बनकर पाती रूप कागज पर उतरने लगी। आपके परमार्थ निकेतन अखाड़े के पते पर भेजी पाती। एक माँ के लिए उसकी संतान ही सर्वस्व होती है। इस सुख को भोगने की बारी आपकी आई ही नहीं, या यूं समझे कि शायद ये आपके भाग्य में ही नहीं था। आप मेरी इकलौती संतान हैं, आपने मुझे माँ बनाया और दिया एक संपूर्ण महिला होने का अस्तित्व। जिस पल आप मेरी झोली में आई उस क्षण खुशियां मेरे शब्दों में समा नहीं सकती थी। माँ से अधिक आपके स्वभाव और जीवन शैली को कौन समझ सकता है। प्रथम कक्षा से ही आपकी कुशाग्र बुद्धि के किस्से स्कूल से मिलने लगे थे मुझे। पढ़ाई के अलावा स्कूल की प्रत्येक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी आप। छोटी सी भारती जब देशभक्ति गीत मंच से गाती थी तो धमाल मच जाता था। 12वीं कक्षा में जब आपका परीक्षा परिणाम 100% रहा तो एक सरकारी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत स्वतंत्रता दिवस पर शहर के सरकारी कॉलेज में आपसे ही ध्वजारोहण कराया गया था। उस समय आपको पता है मेरा सीना गर्व से फूल कर चौड़ा हो गया था, कुप्पा हो गया था। और जो जो आप बड़ी होने लगी त्यों त्यों आपका मन अध्यात्म में रमने लगा था। शुरू से ही भगवान ब्रह्मांड की बातें करने लगी थी आप, और कुछ इस तरह के प्रश्न भी कि जात पात क्या होती है,
धर्म संप्रदाय क्या होता है, चिड़िया क्या होती है, चींटी क्या होती है, साधु साध्वी भगवे कपड़े क्यों पहनते हैं तथा भीख क्यों मांगते हैं आदि। फिर मैं आपका ध्यान वहां से हटाकर पढ़ाई में लगाने को कहती। आपको पढ़ाया लिखाया, हिंदी संस्कृत में PhD कराया, MA इंग्लिश ऑनर्स कराया, भरतनाट्यम में पोस्ट ग्रेजुएट कराया और साथ ही स्पोर्ट्स में भी आपने बहुत सारे मेडल जीते। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थी आप मेरी बेटी भारती। इसलिए कि आज सारा शहर मुझे श्याम में लग रहा था, इसलिए कि आज आपका दीक्षा दिवस जो था, क्योंकि दीक्षा पूर्व की सभी प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको सांसारिक वेशभूषा से सजाया गया था, अर्थात जो शादी के समय जोड़ा पहनाया जाता है, साध्वी बनने से पहले उसे उस सांसारिक रूप में सजाया जाता है, और एक बग्घी में दो साध्वियों के बीच बैठकर नगर में घुमाया गया। इस धार्मिक जुलूस की अगुवाई बैंड बाजे द्वारा की जा रही थी। नीलम हाँ हेलो, कोमल भी आ गई, जो शहर के राधा मंदिर के प्रांगण में सजाए गए दीक्षा समारोह के गेट पर आकर थम गया था। बंद होती बैंड धुन ने मेरा ध्यान पहले से ही प्रतीक्षा में बैठी उधर आकर्षित किया। दो साध्वियों ने आपका हाथ पकड़कर नीचे उतारा। उससे मैं आपको दुल्हन रूप में देखकर मेरा मन खिल गया था, इसलिए कि इस वेश में आप बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर अगले ही पल मेरा मन मुरझा गया था, क्योंकि आज इस रूप में मैं आपको दूसरी बार देख रही थी और मेरे मन में आपके पहली बार दुल्हन बनने के वे तमाम कारण किसी चक्री की भांति स्मृति पटल में घूम गए, जिनसे हताहत होकर आपने संन्यास लिया। यही कि आपके लाख मना करने पर भी मैंने एक सुंदर सा घर परिवार देखकर आपका विवाह कर दिया था। माँ हूं ना, मन नहीं माना। डोली में बैठाने के बाद बहुत दूर तक गाड़ी के पीछे चलती रही थी मैं। वहां खड़े सभी मेहमानों ने मुझे पकड़ा और समझाया। फिर अगले दिन पग फेरे पर जब आप वापिस आई तो आपने बताया कि डोली वाली गाड़ी अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि कान में आपके पति की आवाज आई। वह अपनी माँ से बोले, हूँ देखो माँ ये गाड़ी दी है डब्बा, अरे हमने मांगा थोड़े ना था, इससे अच्छा तो देते ही ना। तो उसकी माँ ने बेटे की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला था, हाँ बेटा ये तो हमारी कोठी को भी लजा देगी, जल्दी से बेचकर इसके पैसे बैंक में जमा करा दे। ये बात सुनकर आप सन रह गई थी और उसके बाद उनकी दहेज की मांग प्रतिदिन सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही चली गई थी। शारीरिक मानसिक शोषण की इंतहा कर दी थी उन्होंने मेरी फूल सी बच्ची पर। उन दो सालों में कई बार पंचायती समझौतों के आधार पर आपको बार बार वहां जाना पड़ा था। मेरे घर की तो सिर्फ ईंट ही शेष बची थी और कुछ भी नहीं था मेरे पास देने को। और एक दिन तो गजब ही हो गया जब आप सांझ के धुंधलके में नंगे पाव हाँपती हुई वापिस लौट आई थी मेरे पास और मेरी छाती से लिपट कर बहुत देर तक रोती रही थी और रोते रोते कहती जा रही थी कि माँ ये लो मैं फिर आ गई आपको सताने, सदा के लिए मुझे माफ कर दो। बहुत कोशिश की मैंने निभाने की मगर हिम्मत हार गई हूँ मैं। अब कभी भी मत भेजना मुझे उन पत्थर दिल इंसानों के महल में, मैं तो आपके आंचल की छाव में रहकर ही गुजर बसर कर लूंगी, और अगर आपने इस बार भेज भी दिया तो मैं वहां जिंदा न बचूंगी। इतनी दर्दनाक दास्ता किसी बेटी के जीवन में होगी तो भला उसकी माँ पर क्या बीतेगी, इसलिए मैंने आपको वहां फिर नहीं भेजा कभी भी। और मैंने अपने अंक में आपको ऐसे छुपा लिया था जैसे कि आज फिर से आपका जन्म हुआ हो, और इसे एक नया जन्म ही तो कहेंगे।
क्योंकि वहीं पर खड़े खड़े आपने साध्वी होने की कसम जो ले ली थी। फिर मेडिकली इलाज कराया गया, ठीक होने में पूरे 6 महीने लग गए थे आपको, फिर बीएड में दाखला दिलाया, 1 साल में यह कोर्स पूरा हुआ और आपने एक पब्लिक स्कूल में जॉब ज्वाइन कर ली थी। एक दिन आप स्कूल से घर आई और कहने लगी कि नहीं करनी मुझे किसी की नौकरी, जिसे देखो सब अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, सामने वाले की 1 मिनट में बेइज्जती कर देते हैं, इससे अच्छा तो मैं अपने श्री कृष्ण भगवान की चाकरी बन जाऊंगी मीरा जी की तरह, दे आई मैं अपना रिजाइन लेटर, जी करता है घर से बाहर ही ना निकलूं, चारों ओर से गिद्ध जैसी घूरती आंखों का सामना नहीं कर पाती हूं मैं। और फिर आपने मुझ पर एक प्रश्न दाग दिया था कि माँ ऐसा क्यों होता है समाज में, अब तो इस फरेबी दुनिया से मन ही उब गया है, अब तो मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है, बैराग। और उसके बाद तो बस यूं समझें कि एक कमरे में आप सिकुड़ने लगी थी, पूजा पाठ संध्या ध्यान माँ भगवती की शरण और पूरा भक्तिमय माहौल। 2 साल की तपस्या के बाद गांव की दादी जो बालपन में विधवा होने के बाद साध्वी बनकर गांव के मंदिर की पुजारिन थी, उससे छोटी सी दीक्षा ली और उसके 3 साल बाद से आपका पूरा जीवन ही बदल गया था। आज आपका साध्वी से महात्यागी बनने का दिन जो आया है, आज आपके दीक्षा समारोह स्थल को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था, दोनों ओर भक्त जनों से पूरा पंडाल खचाखच भरा था, जहां सीधी साइड में मंच के पास आपकी माँ को बिठाया गया था, बीच में चौड़ा सा रास्ता बनाया गया 2 साध्वियों के बीच। जब आपने गेट में एंटर किया तो मैं बहुत भावुक हो गई और मेरे मुंह से क्या निकला पता है, यही कि अब आपको यह स्वरूप दूसरी और आखिरी बार मिला है। शायद ये श्रृंगार आपके नसीब में ही नहीं था, या फिर ये रूप आपको रास ही नहीं आया। आप समाज की पुरानी घिसी पिटी कुरूतियों धारणाओं मान्यताओं की शिकार न हुई होती तो तस्वीर कुछ और ही होती। फिर आप 2 साध्वियों के बीच धीरे धीरे जब पंडाल में से गुजर रही थी तो आपके चेहरे पर खुशी और अध्यात्म का एक अजब सा नूर था। आप चलकर मंच तक आई, आपकी नजर मुझ पर पड़ी तो आपने मेरे पास आकर पता है क्या कहा था, यही कहा था कि माँ आज आखिरी बार आप मेरे साथ खेल लो। ये सुनकर मेरे आंसू छलक पड़े थे और आपको भाव पास में जोर से जकड़ लिया था। उसके बाद आपको मुझसे अर्थात परिजन समाज और साधु मंडल से अनुमति ली गई। इतने में इस खास खबर के साक्षात बने मीडिया भी वहां पहुंच गया था और उन्होंने इस बारे आपके विचार जानना चाहे तो माइक आपके हाथ में पकड़ा दिया था। उन्होंने महासाध्वी बनने के कारण जानना चाहे तो आपने बोला था, इस संसार में LKG की कक्षा से लेकर स्कूल कॉलेज तक सहपाठियों सहेलियों यहाँ तक कि अपने खून के रिश्तों में भी छल फरेब धोखा ही धोखा पाया मैंने। यहाँ किसी का कोई नहीं के सिलसिले देखते ही देखते समझ में आए। दुनिया चालबाजों की है, मोह भंग हो गया है इस मुंह खोटे लगाए दुनिया से मेरा। अपने सुख की तलाश में मैंने अभी तक ये न जाना कि असली सुख अर्थात परमानंद तो हमारे भीतर ही है। दुनिया देखी उस शिक्षा ग्रहण की, मगर मुझे तो संतों का सानिध्य और भक्ति मार्ग ही सही लगा। धर्म ग्रंथों और वेद पाठों में पढ़ा कि यही प्यारे प्रभु का सच्चा मार्ग है, जिस पर चलकर आत्मिक सुकून और परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, इसलिए वैराग्य धारण कर रही हूँ। ये तो जीवन परिवर्तन है।
वेश तो हम जन्मों से बदलते आ रहे हैं। इसके बाद पत्रकारों ने जब मुझे माइक पकड़ाया, अर्थात उनकी माँ को पकड़ाया, तो मैंने भी बता दिया कि एक माँ होने के नाते मुझे अपनी बेटी भारती पर बहुत नाज है। इसका मन तो शुरू से ही अध्यात्म में रमता, रोमांचकारी प्रश्न पूछती थी ये बचपन में मुझसे। मैं इसके एक दो प्रश्नों का उत्तर देकर इसे पढ़ाई करने की हिदायतें देती रहती थी। वैसे भी आजकल तो बेटा बेटी एक समान है, इसने जो रास्ता चुना वही सच्चा दरबार है। अब साध्वी बनकर परमात्मा की शरण में जग की सेवा करेगी। इसके बाद आपको अंदर ले जाया गया, जहां संन्यास प्रक्रिया के तहत दीक्षा की सभी विधियां पूरी हुई, जिसमें केश लोचन, भगवा वेशभूषा तथा पांव में खड़ाऊ पहनाए गए। आपका पहला नाम भारती बदलकर नया नाम साधना दास महात्यागी दिया गया। भिक्षा मांगने के लिए भगवा कपड़े की झोली और एक कमंडल भी थमा दिए गए। फिर आप बैराग रूप में समारोह स्थल पर हाथ जोड़े बाहर आई। धीरे धीरे चल रही थी आप और नजरें तो एकदम नीचे थी, जैसे कि आप इस स्वार्थी ढोंगी दुनिया को जानती ही नहीं। दोनों ओर से आपके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। तभी सभी भक्तजन शीश झुकाकर आपसे आशीर्वाद ले रहे थे। जब आप मेरे सामने से गुजरी तो मैंने भी आपसे आशीर्वाद लिया। आपने बस एक बार मेरी ओर देखा और झट से नीची नजर करके आगे बढ़ गई, ऐसे जैसे कि आप मुझे जानती ही नहीं कि मैं आपकी माँ हूँ। आज इस समय एक बार और मेरा कलेजा कांपा ये कहते हुए कि अब नहीं आएगी तू कभी भी मेरे पास, क्योंकि अब आप मेरी अकेली की बेटी भारती नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साधना माँ दास त्यागी हो चुकी हैं। दीक्षा उपरांत उसी प्रांगण में आपका एक धार्मिक व्याख्यान सुनकर मन गदगद हो गया, जो देशी व विदेशी छात्र छात्राओं के लिए विशेष कार्यक्रम था, जिसमें देश धर्म पर मुख्य चर्चा और छात्रों को आह्वान किया गया था। वहां जैसे ही आपके नाम की उद्घोषणा हुई तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। आपने हिंदी में अपना उद्बोधन शुरू किया और साथ में शुद्ध संस्कृत के श्लोकों का उदाहरण देकर हिंदी अनुवाद द्वारा समझाना गजब ढा गया, और बीच बीच में आवश्यकता अनुसार इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर आपने एक सफल विदुषी होने का प्रमाण दिया। इससे प्रभावित होकर तभी महामंडलेश्वर स्वामी श्री महेशानंद गिरी का अपने स्थान से उठकर आपको सम्मानित करना सभी को उत्साहित कर गया और मुझे भाव विभोर कर गया। वहां पधारे सभी छात्रों ने आपको अपना आदर्श मान लिया, पथ प्रदर्शक, नई सोच, नई रोशनी की स्वामिनी मान लिया था। अब आपके जीवन की नैया सब दरियाओं को पार करके सुख सागर की ओर मुड़ गई है और आपके जीवन में से मैं निकल कर शून्य में समा गया है। प्रज्ञा चक्षु ज्योति ज्ञान का युग में संदेश देते रहेंगे, जिसकी शक्ति की आभा हजारों गुण युगों के निर्माण में सहयोगी बनेगी, जिसके मन दर्पण में स्वार्थ, बेईमानी और झूठ का स्थान न हो, जिसका पाक पवित्र चरित्र किसी प्रमाण का मोहताज नहीं, जिसकी वाणी में सनातन सत्य के महान संदेश हो, जिसके मन मंदिर में देश, समाज, धर्म समाहित हो, उसे भला मैं क्या संदेश दे सकता। अपने अनुभवों के आधार पर धर्म की रक्षा के साथ साथ आपको धर्म परिवर्तन रोकने के प्रयास भी करने होंगे। बिलकती गौ माता की आंखों से टपकते आंसुओं को रोकना होगा और देश में मुंह बाएं खड़ी अनेकों समस्याओं को सुलझाने में अपने आधार पर प्रयत्न करने होंगे। बेशक जीवन में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन सभी अड़चनों का
समाधान हमेशा अवश्य होता है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस मिशन में अवश्य कामयाब रहेंगी, क्योंकि ये परमार्थ और सदाचार के फैसले कोई साधारण व्यक्ति ले ही नहीं सकता। आपकी इस अनूठी नई यात्रा में हमेशा आपके साथ, आपकी माँ स्वयं की खोज में। तो बहनों, साथियों, बेटियों, छोटे बड़े सभी, आपने मेरा ये लाइव देखा, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया नेगी जी का, और मंच प्रदान किया, उनका नाम जन सरोकार के आदरणीय सक्सेना जी व जोशी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको नमस्कार, सबको